आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जब भी हमारे देश में अगर किसी राज्य में आपकी विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हमारे देश में जो नेता है ये सुर्खियों में आने लगते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में आपके विधानसभा चुनाव है, तो अभी उत्तर प्रदेश में एक नेता का नाम काफी सुर्खियों में बना हुआ है। और ये आपको बता दूं, रीता बहुगुणा जोशी की बात हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है, आप समझ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर रीता बहुगुणा जोशी है कौन। और अभी आप जानते हैं कि बीजेपी में है और इससे पहले कांग्रेस में भी रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये किसी और पार्टी में भी जा सकती है। और देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को एक तरह से आश्चर्यचकित होने की जरूरत है कि अगर कोई नेता किसी पार्टी में शामिल होता है। देखिए, आप देखिए कि एक ही परिवार के कई मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई बीजेपी में है, कोई आप देखिए कांग्रेस में है, कोई सपा में है। आप गांधी परिवार को देख लीजिए, आप सभी जानते हैं कि जो सोनिया गांधी है एक कांग्रेस से संबंधित है, मेनका गांधी आप लोग देख लीजिए बीजेपी से संबंधित है। और इसी तरह आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश में हाल ही में आपने देखा है कि मुलायम सिंह की बहू, आप देखिए अखिलेश यादव आपके सपा में है, यानी कि सपा के प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के, और अपर्णा यादव मुलायम सिंह की छोटी बहू है, यानी कि छोटे बेटे की बीवी है, पत्नी है, वो आपकी बीजेपी को शामिल हो गई। तो ये हमारे देश की एक तरह से राजनीति में चलता रहता है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे रीता बहुगुणा को, और इनका संबंध आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से आता है। कहां से है इनका संबंध? उत्तर प्रदेश से है। आपको स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश दिखाई भी दे रहा होगा। इसकी राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश राज्य की बनाने की बात हो तो ये 24 जनवरी 1950 में बनाया गया था। यहां आप देखेंगे लोकसभा में आपको 80 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधान सभा में आपकी 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें देखने को मिलेगी। और आप लोग इन सीटों को देखकर समझ में आ गया होगा आपको कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। और कई राजनीतिक विश्लेषण है उनका तो यहां तक कहना है कि आप देखिए कि जो दिल्ली की सत्ता होती है ना, इसकी आप कहिए कि इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, समझ रहे। और रीता बहुगुणा की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म 22 जुलाई 1949 में हुआ था। कहां? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। अब आप लोग इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम लोग रीता बहुगुणा की जी के पिताजी की बात करें तो हेमवती नंदन बहुगुणा जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी बेटी है। और आप देखिए इनकी अगर माता की बात करें तो कमला बहुगुणा इनकी माता का नाम, और पति की बात करें तो पीसी जोशी इनके पति का नाम, और इनके बच्चे की बात करें तो मयंक जोशी इनके बेटे का नाम है। और अपने बेटे को आप देखिए टिकट दिलाने के लिए, अपनी संसद यानी कि लोकसभा सदस्यता त्यागने के लिए, इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं, और इसीलिए आप देखिए ये सुर्खियों में बनी हुई है। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें रीता की, तो आप देखिए कि एम ए और पी एच डी की हुई है, तो ये आप कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी भी है और पहले प्रोफेसर भी रही है। अब आप सभी जानते हैं कि राजनेता है, और ये आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रही है 2016 में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। सबसे जरूरी बात है इनके राजनीतिक करियर की, कि इनका राजनीतिक सफर किस तरह से शुरू हुआ है और अभी तक किस तरह रहा है उनका। तो आप देखेंगे कि 1995 से लेकर 2000 इलाहाबाद के महापौर का पद इन्होंने संभाला हुआ था। पहली बार 1995 से सन 2000 तक ये महापौर इलाहाबाद की रही थी, तब से इनकी राजनीति में एंट्री होती है। और आप देखेंगे कि रीता बहुगुणा जोशी 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही हैं। फिर आप देखेंगे 2009 में यूपी की मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए रीता जोशी को मुरादाबाद जेल भेजा गया था। तो आप समझ रहे हैं उस समय आप देखिए कि मुख्यमंत्री ममता, एक तरह से आप देखिए कि कौन थी, मायावती थी, और इन्होंने एक टिप्पणी की हुई थी जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फिर आप देखेंगे कि रीता बहुगुणा ने 2012 में लखनऊ छावनी विधानसभा क्षेत्र से
विधानसभा की सदस्य के लिए रोम में निर्वाचित हुई थी। यानी कि कहने का मतलब है कि 2012 में इन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का और विधायक बनती हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो विधायक का चुनाव होता है, यानी कि विधानसभा सदस्य का चुनाव होता है, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। और अगर आप लोगों को विधायकी का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे 2014 में इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था लखनऊ से, लेकिन इसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। किसका? हार का सामना करना पड़ा था। और लोकसभा सदस्य के लिए बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 25 साल आपकी एज है तो आप लोग लोकसभा सदस्य का चुनाव भी लड़ सकते हैं। और लोकसभा सदस्य का चुनाव भी आपकी डायरेक्ट जनता के द्वारा ही होता है। आप देखेंगे कांग्रेस में 24 साल बिताने के बाद वह 20 अक्टूबर 2016 को भाजपा में शामिल हो गई थी, यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गई थी। फिर आपने देखा होगा कि 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रीता बहुगुणा लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ी, और उनके खिलाफ आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को 33,796 वोटों के अंतर से इन्होंने हराया था। जो आजकल आप लोग अपर्णा यादव देख रहे हैं ना, ये बीजेपी में शामिल हो चुकी है। इन्हीं को आप देखिए कि रीता बहुगुणा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और अपर्णा यादव को लगभग 33,000 वोटों से हराया था। बाद में आपको मालूम होगा कि योगी कैबिनेट में कल्याण परिवार और बाल कल्याण मंत्री व पर्यटन मंत्री के रूप में इन्हें शामिल किया गया था। फिर आप सभी जानते हैं कि 2019 में आपके लोकसभा चुनाव हुए थे और इसमें इन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था लोकसभा सदस्य का और 17वीं लोकसभा में सांसद बनी थी। और अभी अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो अभी ये लोकसभा सदस्य हैं, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और यही कहानी रही अभी तक रीता बहुगुणा की। अब आने वाले समय में किस तरह से इनका सफर रहता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल रीता बहुगुणा के बारे में आप लोगों के पास मुझे लगता है कि काफी जानकारी होगी। अगर आपकी दिलचस्पी होगी उन्हें जानने की तो आप लोग उनके बारे में जान सकते हैं इतनी जानकारी से। चलिए आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम लोग तो मिलते रहेंगे।